नमस्कार, आप हैं आईबीएन 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैयर। बड़ी खबर आ रही है यहां पर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सोमनाथ भारती पर बोला है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि सोमनाथ भारती को सरेंडर कर देना चाहिए, वो जेल जाने से डरते क्यों हैं। ट्विटर पर उन्होंने आगे ये लिखा है कि अब पार्टी और परिवार के लिए शर्म की वजह बन रहे हैं वो, उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सोमनाथ भारती पर ये ट्वीट। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए, वो भाग क्यों रहे हैं। आगे लिखते हैं, सोमनाथ जेल जाने से डर क्यों रहे हैं, अब वो पार्टी और परिवार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहे हैं, उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह का। रवि, और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष का यह आरोप लगता रहा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या फिर सरकार सोमनाथ भारती को संरक्षण दे रही है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अपना रुख साफ करते हुए। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट का डायरेक्शन आया और जिस तरीके से बेल प्ली को रिजेक्ट किया गया, और तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर और पार्टी के ऊपर ये दबाव था कि वापस आती हूँ रवि आप पर ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे रुख करते हैं लीपिका का। सोमनाथ भारती की पत्नी है लीपिका जी, आईबीएन 7 के साथ जुड़ी, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद लीपिका कह दिया है कि सोमनाथ भारती को सरेंडर कर देना चाहिए। जी, अगर उन्होंने कहा है ऐसा फाइनली आफ्टर सो मच टाइम, तो आई वेलकम दैट कि इवेंचुअली इवन आफ्टर टेकिंग सो मच टाइम ही हैज फाइनली रियलाइज्ड, सो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। लिपिका, आपको क्या इस बात की शिकायत है या फिर आपको ये बात नहीं भा रही कि काफी वक्त लगा यहाँ पे मुख्यमंत्री को ये बात कहने के लिए? जी, वो तो बुरा लगता ही है एक महिला होने के नाते। जब मेरे ऊपर गलत हुआ, दो छोटे बच्चे के ऊपर गलत हुआ, मैंने सामने से आके कंप्लेंट जब किया तो सिर्फ मिस्टर भारती की सुनी गई, मेरी एक बार भी किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। एज अ वुमन, एज अ मदर ऑफ टू स्मॉल इन्फेंट, आई फेल्ट दैट, ऑफ कोर्स आई फेल्ट दैट। लिपिका, क्या ऐसा भी कभी हुआ कि आपका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आमना सामना हुआ हो या उनके करीबी या पार्टी के किसी बड़े नेता के समकक्ष आपने ये बात रखी हो? जी, मैं आई एम द मोस्ट नॉन पॉलिटिकल पर्सन एंड मैं एक नौकरी करती हूँ, सारा दिन व्यस्त रहती हूँ, दो छोटे बच्चे हैं उनकी, आई एम द ओनली पेरेंट टू देम, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये सब करने का। और आफ्टर दिस कंप्लेंट, यस, आई हैव ट्राइड टू अप्रोच मिस्टर केजरीवाल थ्रू द मीडिया। मिसेस बरखा शुक्ला सिंह के ऑफिस में भी उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की मेरे लिए, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला, आई वॉज नॉट ग्रांटेड एन अपॉइंटमेंट। बिल्कुल। लिपिका, क्या आप एक बार फिर से हमें ये बता सकती हैं कि क्या कब हुआ था, कब आपने ये शिकायत दर्ज की थी और कब आप बरखा शुक्ला सिंह के पास भी गई थी ताकि आपकी मुलाकात हो सके मुख्यमंत्री से? जी, आई अप्रोच्ड मिसेस बरखा शुक्ला सिंह ऑन 10th ऑफ जून 2015 दिस ईयर विद माय कंप्लेंट, एंड उसके बाद उन्होंने काफी बार उनके ऑफिस से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की गई मिस्टर केजरीवाल से, but somehow it didn't work out. I was not given any audience. And बाद में मीडिया के थ्रू भी, ऑल मीडिया हाउसेस के थ्रू भी मैंने बार बार बोलने की कोशिश की कि मेरी शिकायत पे गौर किया जाए। उन्होंने सिर्फ मिस्टर भारती को बुलाया, उस वक्त वो चेन्नई में ट्रैवल कर रहे थे साउथ इंडिया में, उनको स्पेशली बुलाया गया, उनका पक्ष सुना गया, लेकिन मेरा पक्ष सुनने की एक बार भी कोशिश नहीं की गई। चलिए, लिपिका, आप आईबीएन 7 के साथ जुड़ी, इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा इस वक्त आईबीएन 7 से बात करती हुई ये बता रही थी कि इस बात से लेकर वो जरूर संतुष्ट हैं कि मुख्यमंत्री ने इस तरह का ट्वीट किया है और वो चाहते हैं कि सोमनाथ भारती सरेंडर करे, लेकिन लिपिका चाहती थी कि मुख्यमंत्री थोड़ा पहले इस मामले को संज्ञान में ले लेते। और बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। नूपुर, मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर दिया है कि सोमनाथ भारती जेल जाए। देखिए, जो पहला दिमाग में जो आता है वो बहुत एहसास था कि जितने भी डिग्री वाले चोर उचक्के और गुंडे जो आम आदमी पार्टी में भरे हुए हैं, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री को शह देते हैं। फिर जब आप मीडिया वाले जब ज्यादा हु हल्ला करते हैं, जब दिखता है कि हर चीज के लिए मोदी जी और भाजपा को ब्लेम नहीं कर सकते, खासतौर इस मामले में जब मियां बीवी के बीच मार पिटाई हो रही है और सोमनाथ जी कह रहे हैं मोदी जी की साजिश है, तब उनको लगता है कि नहीं, ज्यादा हमारी बदनामी हो गई, ज्यादा बेइज्जती हो गई, मैं गलत लगूंगा, डिसऑनेस्ट लगूंगा, जो ऑनेस्टी का जो गाना गाते रहते हैं, मैं डिसऑनेस्ट लगूंगा, वो एकदम से ट्वीट कर देते हैं। सबसे पहले मुझे इतना बताइए, जब पहले ये पूरा मामला बाहर आया था,
जब लिपिका जी का मैं अभी बयान थोड़ा बहुत सुन रही थी, बीच में फोन कट गया था, माफी चाहती हूँ। जब पहले जब पूरा लिपिका जी ने शिकायत दर्ज करी थी DCW में और ये मामला सबसे पहले सामने आया था, तब इन्होंने निंदा क्यों नहीं करी? सबसे पहले मुख्यमंत्री होने के नाते आपके ही सीनियर लीडर है, पूर्व कानून मंत्री है, आपने उनसे पर्सनली बात करके निंदा क्यों नहीं करी? कि वैसे तो आप महिला सुरक्षा का गाना गाते हैं बाहर, और अंदर आपने ऐसे लोग पाल रखे हैं अपनी पार्टी के अंदर, उनको ऐसी पावर सत्ता दे रखी है ऐसे लोगों को जो अपनी बीवी से बदसलूकी करते हैं। मतलब बहुत हैरानी की बात है कि ये आदमी कितना झूठा है। हमारा मुख्यमंत्री नुपुर, मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, कुछ रोज पहले आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने ये जरूर कहा था कि सोमनाथ भारती जो है वो पुलिस का पूरा सहयोग करें और पुलिस के समकक्ष जाएं, उनके सामने पेश हों। अब मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर ट्वीट कर देते हैं कि जेल जाएं सोमनाथ भारती, तो क्या अब आप संतुष्ट हैं? संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। माफ करिएगा, तो यहाँ पे हमारे साथ नुपुर शर्मा थी, फिलहाल उनसे लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। नुपुर शर्मा भी हमारे साथ ही, बीजेपी के नेता, और लिपिका मित्रा भी सोमनाथ भारती की पत्नी, जिन्होंने कहा कि वो इस बात से थोड़ी संतुष्ट हैं कि चलिए मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, लेकिन थोड़ा पहले मुख्यमंत्री ऐसा कर देते। और इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो नौटंकियां हैं और नाटक है, ड्रामा है, उस पर क्या टिप्पणी करें हम लोग? बात कारण ये है कि देखिए, इनके तो रोज ही नए नए ड्रामे निकल के आते हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनके बारे में सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, ही इज मेंट फॉर हिमसेल्फ, आई मी एंड माई सेल्फ में उनकी पूरी परिभाषा की जा सकती है। राजीव जी, मैं अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट की बात कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि सोमनाथ भारती को जेल में होना चाहिए, वो सहयोग करे, वो पहले ही शर्मिंदगी बन चुके हैं पार्टी और परिवार के लिए। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैंने अरविंद केजरीवाल जी की जो परिभाषा की है सभी परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए की है। रही बात सोमनाथ भारती जी का जो मामला है, वो निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत मामला है, ऐसे व्यक्तिगत मामले में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। हालांकि सोमनाथ भारती जी की पत्नी भी इस वक्त लाइन पे है, लेकिन निश्चित रूप से सोमनाथ भारती जी ने एक अपराध तो किया ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और उस अपराध से उन्हें भागना नहीं चाहिए, और उन्हें निश्चित रूप से पुलिस से सरेंडर करके अपने लिए न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि सोमनाथ भारती ये जरूर कहते रहे, तो निश्चित रूप से कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। राजीव जी, हालांकि सोमनाथ भारती ये जरूर कहते रहे कि दिल्ली पुलिस ने गलत मामला उनके खिलाफ दर्ज किया है और गलत तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो तो सारी आम आदमी पार्टी यही कहती है कुल मिलाकर के, उनके लिए सारी चीजें बदले की भावना से है, जो वो करते हैं वो तो लीला है, बाकी कोई और करता है तो पाप करता है। जी राजीव जी, आप जुड़े IBN 7 के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।